सुरेश और रमेश कॉलेज के फ्रेंड हैं, दोनों उस संगत में पड़े हुए हैं, नशा व्यसन आदि करते हैं और पार्टियां करते हैं। आगे देखिए और रमेश क्या चल रहा है? ठीक है और बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है यार, जिंदगी तो झंड हो गई है। अरे हाँ यार, मेरा भी जिंदगी झंड हो गया है, नाइन में नौकरी लग रही है, नाइन में कुछ बारह जिंदगी में। चलो यार दारू पीने की बात, चलो चला के पार्टी किया जाए हम लोग। चलो कहा है चलो। और बताओ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा भाई, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और चलो और चल लिया जाए। चलो चलो एकदम सही बोलो भाई तुम। चलो बैठा जाओ ना, बोलो। हरे कृष्णा। अब आगे के दृश्य में हम देखेंगे कि इस्कॉन बैठन का एक भक्त आता है और उनको भगवत गीता देने के लिए कहते हैं। आगे देखिए। हरे कृष्णा गुरु जी, हम लोग इस्कॉन बैठन से आए हैं। गुरु जी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम लोग भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाए। एक बार अपने जीवन में इसको जरूर पढ़िए। हमारे जो कॉलेज की पढ़ाई हो ही नहीं पाई, अब भगवत गीता पढ़े हम तो अपनी पढ़ाई करी बाकी भवन समझे हमने बच्चों को मूर्ख बन बनाए, जहाँ से आप वहीं चले जाइए, हमको अपनी भगवत गीता नहीं लेनी है। अभी है यहाँ से। अच्छा ये बताइए कि आपका जो ये भगवत गीता है, चाहे जो भी गीता है ना, ये आपका क्या महत्व, क्या महत्व पब्लिक के क्या है, क्या मुझे हो जाएगी भाई? प्रभु जी ये आपके जीवन में तब काम आएगा जब आपके जीवन में कोई लोग काम नहीं आएंगे, और ये आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया मार्ग दिखाएगा। तो एक बार इसको लीजिए और अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। चलो ठीक है यार, जिनसे आया ले सुनने का यहाँ पर किसे पढ़ा पड़ा था, ठीक है चलो ले लेंगे। हरे कृष्णा। आगे के दृश्य में हम देखेंगे कि रमेश भगवत गीता ले लेता है, लेकिन वह अपना जीवन रोज की तरह जीता है और उसके जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। आगे देखिए। अरे यार लाइफ में मैं कितना अकेला हो गया हूँ, इतना मैं नशा कर रहा हूँ कि मेरे साथ कोई भी दोस्त नहीं है। चलो अब मैं किसी दोस्त को फोन कर लेता हूँ। हेलो। और जी सुनती हो, कैसी हो तुम? अरे यार मेरा लाइफ तो यार बहुत बर्बाद हो गया है, मैं ना ही मैं कोई नौकरी कर पा रहा हूँ, ना ही मैंने अपने लाइफ में कुछ किया है, मेरी जिंदगी बड़ी बर्बाद हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना कि हम लोग यार बहुत समय से साथ में हैं, साथ में समय सोच रहा था कि इतने सारे टाइम से हम लोग साथ में हैं, तो मैं चाह रहा था कि तुम जो है मेरे साथ, ठीक ना? क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती? क्यों? हम नशा करते हैं इसलिए तुम मेरे शादी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, भाग जाओ यहाँ से, हम वो तुम सारी बजे रख लीजिए, जाओ यहाँ से, तुम मुझे कभी अपना फिक्र मत दिखाना, जाओ यहाँ से। यार क्या यार कैसी लाइफ है, क्या कोई यहाँ पे नशा नहीं छूट रहा है, लड़की अलग छूट के भाग जा रही है, क्या है यार ये जीना भी क्या जीना है, ना ही कोई दोस्त है, ना ही कोई कोई कुछ है, क्या करूँ मैं जिंदगी जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी बंद करने जा रहा हूँ। आगे के दृश्य में देखते हैं कि रमेश डिप्रेशन में आकर अपने जीवन का अंत करने जा रहा है। जो भी मैंने पैसा लगाया कहीं पे ये वसूल हो जाए।
हुआ है, इसमें तो मुझे ये बताया गया है कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा भगवान का क्या संबंध है। अरे इससे तो मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया। अब मैं अपना जो भी नशा भक्ति है मैं सब कुछ छोड़ के अब मैं भगवान की जी भक्ति करूँगा। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यह भगवद गीता दिया, या गीता पढ़ने से मेरा जो है जीवन जो है सफल हो गया, मैंने जो है नशा पत्ती सब कुछ छोड़ दिया है और मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रमेश के जीवन में कितना परिवर्तन आया भगवद गीता पढ़ने से, वह नशा छोड़कर एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहा जीने लगा और वह समाज की सेवा करने लगा। इसी प्रकार हमें भी भगवद गीता का अध्ययन करनी चाहिए। प्रत्येक भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को एक बार भगवद गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह भगवद गीता पढ़ लेगा तो उसको यह चीज का ज्ञान अवश्य हो जाएगा कि उसका जीवन में उद्देश्य क्या है। उसका जीवन में उद्देश्य समाज में शांति लाना और लोगों की सेवा करना है, न कि कुसंगत में पढ़कर नशा शराब पीकर अपने जीवन को एक नरक रूपी जीवन में बदलना। इसलिए हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आपके बैढ़न शहर में एक प्रचार केंद्र इस्कॉन बैढ़न खुला हुआ है, जहाँ हर रविवार को संडे प्रोग्राम होता है और यहाँ के प्रभु जी हिज ग्रेस ब्रह्म कुमार दास प्रभु जी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यहाँ भजन कीर्तन और भगवद गीता का क्लास दिया जाता है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि वो हर रविवार इस्कॉन बैढ़न आए और अपने जीवन को एक उद्देश्यात्मक जीवन बनाए और अपने अंदर पहचाने कि हमें किस लिए हम इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वे भगवद गीता अवश्य एक बार खरीदें और उसे पढ़ें। हरे कृष्णा हरे।